नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी, इकाई नंबर 19 महाकवि कालिदास, इकाई के बारे में आगे हम दो भागों में चर्चा कर चुके हैं। आज हम इस इकाई के तीसरे भाग की चर्चा करेंगे। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त हुआ और उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ। शीघ्र ही कालिदास सारी विधाओं को सीखकर प्रवीण हो गए। राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्युत्मा के पास लौटे। यानी कि कालिदास को जब द्वार बंद कर दिए गए महल में, उनको महल में आने के लिए रोक लगा दिए गए विद्यात्मा के द्वारा, तब कालिदास को उनके अंतःकरण में ग्लानि हुए, उनको पश्चाताप हुआ, उनको दिल में ऐसा लग गया कि मुझे कुछ करना है, मुझे ये ठुकराया गया है। तब कालिदास इसके आघात के स्वरूप वो महाकाली की तपस्या करने के लिए चले गए थे और कठोर उपासना यानी कि तप, पूजा अर्चना करने के लिए वो महाकाली की पूजा करने के लिए चले गए थे और महाकाली का उनको वरदान यानी कि वचन प्राप्त हुआ कि तुम जो भी कुछ चाहते हो वो उस कार्य में करने के लिए सफल हो। और उनको कालिदास को माताजी की कृपा से, काली माँ की कृपा से, उनको जो मूर्ख थे उसके उनको बुद्धि आ गई, सभी क्षेत्रों का उनको ज्ञान आ गया, यानी कि साहित्य क्षेत्र में शीघ्र यानी कि जल्दी और विधाओं यानी कि साहित्य की जो शाखाएं हैं, जिस प्रकार पेड़ की शाखाओं होती हैं, पेड़ की डालियां होती हैं, कोई वृक्ष इत्यादि को हम देख सकते हैं तो वृक्ष एक थड़िया एक ही होता है और उसकी शाखाओं यानी कि डालियों फैली हुई होती हैं। उसी प्रकार साहित्य की भी शाखाओं होती हैं, यानी कि कहानी, कविता, महाकाव्य इत्यादि, निबंध, जीवनी इत्यादि साहित्य की हर एक शाखाओं का उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। इस सभी शाखाओं में वो शाखाओं को सीख कर कालिदास प्रवीण हो गए यानी कि कुशल हो गए, निपुण हो गए। और राजनीति, धर्मशास्त्र, साहित्य का उनको अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। फिर विद्योत्तमा के पास गए, लौटे यानी कि पास गए, तब भी द्वार बंद था। कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्तमा से प्रार्थना की। अनावृत कपाट द्वार देही, यानी कि कालिदास जब आए घर लौट कर तब भी वो द्वार बंद थे। फिर कालिदास ने विद्वान होने का प्रमाण यानी कि सपूत, विद्वान बन गए, बुद्धिशाली बन गए, इसके सपूत के रूप में वो संस्कृत में, कालिदास संस्कृत के कवि थे इसीलिए उन्होंने संस्कृत में द्वार यानी कि बाहरनू दरवाज़ा खोलने के लिए विद्योत्तमा से प्रार्थना की यानी कि विनती की कि अनावृत कपाट द्वार देही, यानी कि बंद द्वार खोली दो। आहु कालिदासे गुजराती संस्कृत में एमने अनावृत कपाट द्वार देही या आ वाक्यनो बंद द्वार खोली दो एवो अर्थ थाय छे। तो कालिदास ने ऐसे उन्होंने विद्योत्तमा से विनती की। अंदर से पत्नी विद्योत्तमा ने पूछा, अस्ति कश्चित् वाग् विशेषः, यानी कि पत्नी ने अंदर रहकर कमरे में रहकर ही पत्नी ने कालिदास से प्रश्न पूछा कि अस्ति कश्चित् वाग् विशेषः, यानी कि शू तमारी वाणी में कैक विशेष फरक पड़ियो, विशेष तफावत थयो, आउ विद्युतमा कालिदास ने पूछे छे। एना प्रत्युत्तर में कालिदासे जवाब आपे छे। इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः जवाब देते हुए कालिदास ने अस्ति शब्द से शुरू कर
कुमार संभव की रचना की। कुमार संभव महाकाव्य ये जो कृति है उनकी कालिदास ने रचना की। कश्चित शब्द से मेघदूत नाम की कृति की रचना की। और वाक् विशेष यानी कि ये जो रघुवंश नाम की कृति है उनकी वाक् विशेष शब्द से उन्होंने रचना की। और इस रचना कालिदास ने विद्योत्तमा को सुनाई। विद्योत्तमा को जब उनके पंडित होने का यह विश्वास हो गया तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत किया। यानी कि विद्योत्तमा को विश्वास यानी कि भरोसा हो गया कि कालिदास ये जो अस्ति कश्चित वाक् विशेष ये तीन शब्दों से शू तमारी वाणी में फरक पड़ियो तफावत थयो। आ त्रण शब्दों थी त्रण साहित्यिक कृतियों की रचना कर दी। और ये रचना मौलिक रूप में कालिदास ने विद्योत्तमा से सुनाई फिर उन्होंने लिखित स्वरूप दिया। तो विद्योत्तमा को भरोसा हो गया कि विश्वास आ गया इसीलिए उन्होंने द्वार खोलकर महाकवि कालिदास का स्वागत किया। कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता था। कालिदास की उपमाएं विश्व विख्यात हैं उनकी कोई तुलना नहीं उसका कोई जोड़ नहीं। चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती। यानी कि कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। गहरा यानी कि ऊंडा। प्रत्येक क्षेत्र यानी कि विस्तार। कालिदास को साहित्यिक क्षेत्र में साहित्य की हरेक विधाओं का ऊंडा अनुभव था। यानी कि प्रत्येक क्षेत्र का कालिदास को अनुभव था। प्रकृति चित्रण जैसा कालिदास करता है साहित्य के अंतर्गत वैसा उनके जैसा प्रकृति चित्रण किसी के काव्य में नहीं मिलता। और मनुष्य जीवन को कालिदास ने प्रकृति चित्रण के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा कालिदास को दिखाई पड़ता है। जिस कोई मनुष्य किसी भी कृति में मनुष्य का जीवन चरित्र या किसी भी क्षेत्र का जीवन को अंकित करते हैं मनुष्य को दर्शाते हैं नायक बनाते हैं किसी मनुष्य को व्यक्ति को या किसी महिला को नायिका बनाते हैं तब उनका चित्रण करते हुए अंकित करते हुए जब प्रकृति का चित्रण नहीं करते प्रकृति का उल्लेख नहीं करते तब कालिदास को ये मनुष्य का जीवन अधूरा दिखाई पड़ता है। कालिदास की उपमाएं विश्वविख्यात हैं यानी कि कालिदास जिस उपमाएं दी हैं जो साहित्यिक क्षेत्र में उसकी तुलना कोई कवि नहीं कर सकता और उनकी जोड़ कोई कवि नहीं कर सकता। चरित्र चित्रण में भी कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती। किसी भी कवि ने कोई व्यक्ति का किसी नायक नायिका का चित्रण करते हैं चरित्र चित्रण यानी कि व्यक्ति का व्यक्ति के गुणों का या व्यक्ति की बुराई का जब किसी भी कृति में उल्लेख करते हैं परिचय देते हैं तब ये कालिदास जैसा कोई भी कवि नहीं कर सकता। उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता यानी कि तुलना क्षमता नहीं कर सकता। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है। हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उपस्थित होती है यानी कि अनायास जिस प्रकार कोई व्यक्ति बिना कुछ कहे कोई काम कर देता है यानी कि बिना कुछ कहे व्यक्ति उनके भावों को समझ सकते हैं यानी कि बड़ जबरी पूर्वक जो कुछ भी काम नहीं किया करवा सकते यानी कि स्वाभाविक सरलता से वो उपस्थित हो जाता। ऐसा कालिदास ने साहित्यिक क्षेत्र में जो ये व्यक्ति का चरित्र चित्रण करते हैं तब अनायास ही आ जाता है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बात बताना चाहते हैं कि राजा प्रजा का शासक नहीं बल्कि रक्षक और पिता भी हैं। यानी कि ये जो संस्कृत साहित्य हैं जो वेद वेदांग यानी कि संस्कृत शास्त्रों का किसी भी जगह पर हम अध्ययन करते हैं तो उस शास्त्रों के मुताबिक जब राजा प्रजा का शासक नहीं बल्कि प्रजा का रक्षा करने वाला और राजा को प्रजापति भी कहा गया है इसीलिए प्रजा का पिता भी है रक्षण करने वाला। उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं में मिलता है। यानी कि जब कालिदास हो गए उस दिनों में उस
दिनों में उन जब कालिदास हो गए उस दिनों में उन जो समाज था, जो भारत देश में जो समाज था, उस समाज में नारी का क्या स्थान है, यानी कि नारी का कैसा महत्व था, नारी को कैसे समाज की मर्यादाओं में रखा जाता था, किस प्रकार नारी को अपनी स्वतंत्रता के लिए नारी अपनी स्वतंत्रता से कार्य कर सकती थी या नहीं कर सकती थी, ये सब कुछ कालिदास की रचनाओं में मिलता है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य संगीत तथा चित्रकला आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। कालिदास जब हो गए थे उस समय नारी को सम्मान के साथ और श्रद्धा की दृष्टि से यानी कि श्रद्धापूर्वक नारी को देखा जाता था और उसे नृत्य कला संगीत कला चित्रकला आदि क्षेत्रों में नारी को शिक्षा दी जाती थी, यानी कि इस क्षेत्रों में नारी को शिक्षण दिया जाता था। महाकवि कालिदास के 7 प्रमुख ग्रंथ हैं, उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतु संहार, यानी कि महाकवि कालिदास ने 7 ग्रंथों की रचना की है। ये जो हम संस्कृत साहित्य पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है, उस इतिहास के माध्यम से, संस्कृत साहित्य के इतिहास के माध्यम से कालिदास की 7 प्रमुख रचनाओं के बारे में हमें जानने को मिलता है। इनमें से ऋतु संहार उनका पहला ग्रंथ है। यह एक उत्तम काव्य है। इसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है और ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण कालिदास इस काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में नहीं है। यानी कि कालिदास ने ऋतु संहार नामक जो जिस काव्य की रचना की है ये उत्तम यानी कि श्रेष्ठ काव्य है। उनमें से कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय यानी कि बहुत झिणवटपूर्वक जो हरेक विषय को उन्होंने स्थान दिया है इस कृति में, तो इस परिचय कालिदास का ये सूक्ष्म दृष्टि का परिचय देती है ये कृति। इसमें ऋतुओं का ये जो भारत में जो वर्षा ऋतु इत्यादि ऋतुओं का जो हमें 3 ऋतुओं चलती हैं हमारे देश में, तो इस ऋतुओं का भी परिचय मिलता है और ये जो हेमंत ऋतु शरद ऋतु वर्षा ऋतु बसंत ऋतु इत्यादि 6 ऋतुओं हैं, इसका भी इस ऋतु संहार नामक काव्य में परिचय मिलता है। और प्रकृति चित्रण, कालिदास ने ऋतु से संबंधित ये जो प्रकृति का चित्रण किया है वो सुंदर चित्रण किया है और उतना चित्रण कालिदास उतना प्रकृति का वर्णन किसी भी उनकी काव्य कृति या ग्रंथों में नहीं मिलता, किसी भी कवि के ग्रंथों में नहीं मिलता। और कालिदास की रचनाओं में जो इसके अतिरिक्त उन्होंने दूसरी रचनाओं की उसमें भी नहीं मिलता। मालविकाग्निमित्रम कालिदास का दूसरा ग्रंथ है और पहला नाटक है। ये जो मालविकाग्निमित्रम ये जो कालिदास का दूसरा ग्रंथ है और वो पहला नाटक है। उसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। यानी कि ये जो मालविकाग्निमित्रम कालिदास का दूसरा ग्रंथ है इसमें कालिदास ने 5 अंकों में इस कृति की रचना की है। उसमें इस काव्य का इस ग्रंथ का इस कृति का नायक जो है वो विदिशा नगरी के राजा अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी ये जो नायिका है मालविका जिसका नाम है मालविका, इन दोनों के बीच की प्रेम कथा का वर्णन इन्होंने ये मालविकाग्निमित्रम ग्रंथ में किया है। उनका तीसरा ग्रंथ है विक्रमो वर्षियम कालिदास का दूसरा नाटक है। इसमें 5 अंक हैं तथा महाराजा पुरुर्वा और उर्वशी की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। यानी कि जो ये जो कालिदास का तीसरा ग्रंथ है विक्रमो वर्षियम यानी कि दूसरा नाटक है इस नाटक की रचना उन्होंने 5 अंकों में की है। नाटक को जब हम पढ़ते हैं तो नाटक में अंक आते हैं, ये जो 5 भाग जब हम भाग कहते हैं ना उसी प्रकार ये जो हिंदी में हमें अंक बोला जाता है, तो ये 5 अंकों में इस नाटक की उन्होंने रचना की। इस नाटक का नायक जो है वो महाराजा पुरुर्वा और उर्वशी एक
अप्सरा की पुत्री माना जाता है, जो भगीरथ ऋषि ने जो अपनी उरु यानी कि जांग में से उत्पन्न किया था, पैदा किया था, इसीलिए उसका नाम उर्वशी रखा गया था। तो ये पुरुर्वा और उर्वशी दोनों के बीच जो प्रेम कथा है उनका चित्रण इस विक्रमो उर्वशीयम नाटक में कालिदास ने किया है। कुमार संभव ये काव्य रचना है, और इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा का वर्णन है। यानी कि कालिदास का ये जो कुमार संभव नामक कृति है, ये जो काव्य है, इसमें उन्होंने शिव पार्वती यानी कि भगवान शंकर और पार्वती माता पार्वती के विवाह का वर्णन उन्होंने इस कृति में किया है, और उनके द्वारा उनके पुत्र कुमार कार्तिकेय का जन्म और उसके इस कुमार कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर नामक राक्षस का वध की कथा का वर्णन है। इस कुमार संभव काव्य में ये जो तारकासुर नामक राक्षस है उसका तारकासुर नामक राक्षस का त्रास लोगों पर बढ़ गया था, इसीलिए देवों ने सोचा कि जब भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हो जाए तब उनके द्वारा जो पुत्र का जन्म हो उस पुत्र इस तारकासुर राक्षस का वध कर सकते हैं, ऐसा एक वचन था। इसीलिए भगवान शिव और पार्वती का विवाह का उल्लेख किया गया है, विवाह करवाया गया है। फिर भगवान ये जो कुमार कार्तिकेय का जन्म होता है, ये जो कुमार कार्तिकेय बड़े होकर उस तारकासुर नामक राक्षस का वध कर देते हैं, ये ऐसा इस कथा में यानी कि इस कृति में वर्णन किया गया है। मेघदूत कालिदास का पांचवा ग्रंथ है, यह भी एक खंड काव्य है, और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग बताया है। यानी कि हमारे हिंदी साहित्य में ये जो महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य इत्यादि काव्यों का प्रकार है, इस समय ये जो मेघदूत नामक कृति है ये जो खंड काव्य है। इसमें कालिदास ने इस कथा में ये जो स्वर्ग के ये जो यक्ष होते हैं, तो ये यक्ष को कोई कुछ गलती हो गई स्वर्ग में, इसीलिए उन्होंने श्रापवश पृथ्वी पर आना पड़ा, और पृथ्वी पर उनको सजा भुगतने के लिए भेजा गया, और उनकी प्रेयसी ये जो स्वर्ग में है इसीलिए वो अपनी प्रेयसी के विरह में जो वेदनाएं, जो दुख का जो संदेश बादल के साथ वो भेजता है, तो अलकापुरी तक का मार्ग बहुत लंबा होता है, इसीलिए उन्होंने कालिदास ने दूत बादल को दूत बनाते हुए यक्ष ने बादल को दूत बनाते हुए अलकापुरी तक संदेश भेजने के लिए, अपनी प्रेयसी के पास भेजने के लिए बादल को संदेश देते हैं, और अलकापुरी तक जाने के लिए बादल को संदेशा अपना दे सकते हैं। इसीलिए कालिदास ने ऐसा चित्रण किया कि यक्ष के द्वारा संदेशा बादल को दूत बनाकर अपनी प्रेयसी के पास भिजवाया गया है, ऐसा वर्णन इस कृति में किया गया है। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरहिणी प्रिया को पहचानने के उपाय बादल को भी बताते हैं और अपना संदेश दिया। इस काव्य में वर्षाकाल और विरह का वर्णन खूब निखरा यानी कि खूब अच्छा दिखाई अंकित किया है कालिदास ने, वर्षाकाल का, वर्षा ऋतु का वर्णन और विरह का वर्णन। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी जानकारी दी गई है, यानी कि भारत की ये जो भूगोल यानी कि जमीन की, ये जो भारत की विभागों की, क्षेत्रों की, अलग अलग क्षेत्रों की जानकारी, परिचय इस कृति में दी गई है। रघुवंश एक महाकाव्य है। कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया है, कहाँ तो मैं सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश,
कहाँ मोटी बुद्धि वाला, मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समुद्री को पार करने की बात सोच रहा हूँ। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों का तक की कथा का वर्णन रघुवंश में है, यानी कि रघुवंश काव्य एक महाकाव्य है। इस कृति में कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ऐसा कहा कि कहा तो मैं सूर्य से उत्पन्न होने वाले सूर्यवंशी, ये जो राम थे, भगवान राम की वंशज रघुवंश कहा जाता है, तो उस सूर्यवंशी कहलाते थे, इसीलिए सूर्य से उत्पन्न होने वाले वंश की मैं कहानी कहने जा रहा हूँ, कहानी उनकी कथा में लिखने जा रहा हूँ। तो मैं एक छोटी सी तिनकों सी उनके उनकी तुलना में मैं तो एक छोटी सी नैया लेकर, छोटी सी नाव लेकर, बहुत अपार समुद्री यानी कि समुद्रों को नापा नहीं जाता, इसीलिए अपार समुद्री, समुद्री यानी कि जल जिसे नाप नहीं सकते, इसीलिए अपार समुद्री को मैं पार करने की बात सोच रहा हूँ। तो इस कृति में कालिदास ने सूर्यवंश के दिलीप से लेकर राम के पुत्र कुश और उनके उत्तराधिकारी यानी कि उनके बाद जो जिसको ये जो राज्य का कारभार मिलता है, राज्य चलाने की जो मिलता है, तो उनके बारे में उन्होंने रघुवंश की कथा में, रघुवंश नामक कृति में परिचय दिया है। महाकवि कालिदास का सातवां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह उनका तीसरा नाटक है और उनमें 7 अंक हैं। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत तथा शकुंतला की कथा कही है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर हैं। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जन विश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी की झलक मिलती है। यानी कि महाकवि कालिदास का सातवां सर्वोत्कृष्ट सर्व कृतियों में और सर्व संस्कृत साहित्य में उनकी बराबरी, इस ग्रंथ की बराबरी कोई नहीं करता। सर्व कृतियों में सर्वश्रेष्ठ कृति अभिज्ञान शाकुंतली शाकुंतलम संस्कृत साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है। और कालिदास ने अपने बहुड़े अनुभव का, गहन अध्ययन का इस कृति में निचोड़ स्वरूप अभिज्ञान शाकुंतल नामक कृति की रचना की है। और इस कृति, ये जो कालिदास की तीसरा नाटक है, इस नाटक 7 अंकों में रचना की है। महाकवि कालिदास ने इस नाटक में नाटक का नायक राजा दुष्यंत को बनाया है। और शकुंतला, ये जो मेनका अप्सरा की पुत्री हैं शकुंतला, तो इस शकुंतला इस नाटक की नायिका हैं। इनकी दोनों की जो ये जो प्रणय कथा है उसका वर्णन कालिदास ने इस कृति में बहुत अच्छा किया है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अमर है। इस कृति से कालिदास अमर हो गए। ये जो अंग्रेज कवि, एक जो अंग्रेज कवि हो गए, ये अभिज्ञान शाकुंतलम कृति को पढ़कर इस कृति को सर पे रख के नाचे थे। इतनी प्रसिद्धि इस कृति से कालिदास की प्रसिद्धि हो गई थी। उनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य यानी कि जो जिस प्रकार कालिदास ने इस कृति की रचना की, तो जिस समय इस कृति की रचना की थी उस समय की साहित्य में उस समय की शासन व्यवस्था, राजनीति में कैसे नीति नियमों थे, और उस समाज कैसा था, और जन विश्वास, लोगों में कैसा विश्वास था, अंधश्रद्धा थी, भारत की भूगोल, भारत के जो भौगोलिक विस्तार कैसे थे, ललित कला कैसी भारत में चल रही थी उस समय, स्थापत्य कला का कैसा विकास हो रहा था, कैसे कैसे स्थापत्य कला बन रहे थे, इस सभी की झलक यानी कि सभी का चित्रण इस कृति में मिलती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम महाकवि कालिदास जीवनी के बारे में बहुत ऊंडाई से अच्छा परिचय इस कृति के माध्यम से हम प्राप्त किए हैं। तो विद्यार्थी मित्रों,
दूसरी कृति के बारे में यानी कि दूसरी रचना के बारे में आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अस्तु।